हमारे चैनल मैजिकल क्राफ्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम स्टिक्स और किचन रोल से एक क्राफ्ट आइटम। हम बनाएंगे एक वॉल हैंगिंग फ्लावर बस, देखते हैं वो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने जिसे सोचा है उस तरह से पहले हम आइसक्रीम स्टिक को अरेंज कर लेंगे। जब ये ठीक से अरेंज हो जाए तभी हम इस पर फेविकोल लगा के इसको चिपकाएंगे। देखिए ये फेविकोल लगा के मैंने एक बर्फ़ी वाला शेप बनाया है। अब इसके ऊपर पीछे मैं बेस क्रिएट करूँगी। ये थोड़ा सा सूखने के बाद ही करिएगा, नहीं तो फिर ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। चिपक गया और ये तैयार भी हो गया बेस। अब इसको पलट लेना है। पलट लेने के बाद इसको क्रॉस में चिपकाना है। पहले इस तरह करे थे, अब इस तरह चिपकाएंगे। इसको चिपका के तैयार करके फिर वापस मिलते हैं। देखिए हमारे वॉल हैंगिंग का बेस तैयार हो गया जिसके ऊपर हम फ्लावर बस बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये है किचन रोल जिसको हम इसकी माप ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कितना चाहिए। यहाँ से हम स्केल से भी माप सकते हैं, तो मैं अपने अंदाज से माप ले रही हूँ। मुझे यहाँ तक कट कर देना है। कट करने के बाद फिर यहाँ पर लगाएंगे। तो एक कटर ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। कोई भी बच्चा अगर ये क्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये कटर से जब कट करेंगे तो किसी बड़े का मदद ज़रूर ले लीजिएगा, खुद से कट मत करिएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। इसे फेविकोल लगा लेंगे। इसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और इसको अच्छे से अब हमें सूखने देना है। जब ये सूख जाएगा तब इसको हम सजाएंगे अच्छे से। तो चलिए ये सूख जाते हैं, उसके बाद हम लोग तो देखते हैं क्या करते हैं इसके ऊपर।
अच्छे से सूखने के बाद चलिए अब इस पर हम कलर कर सकते हैं। तो अगर चाहे तो आप ये इस बेस को ऐसे ही रख सकते हैं और सिर्फ इसको कलर कर सकते हैं, मगर मैं आज इस बेस को भी कलर करूँगी और इसको भी कलर करूँगी। तो बेस में मैंने सोचा है गोल्डन कलर करूँगी और इसके ऊपर मैंने डार्क रेड कलर करूँगी। सारा कलर अच्छे से सूखने के बाद हम इस पे ड्राई ब्रश से फेविक्विल का गोल्डन कलर थोड़ा सा सेट दे देंगे, उससे और भी अच्छा लगेगा। कलर करने के बाद पूरा तैयार है। आप इसको और सुंदर बनाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा मिरर चिपकाएंगे, तो चलिए मिरर लगाते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर गोल्डन से सेट दिया था, गोल्डन कलर से एक्रेलिक कलर से, वैसे मैं इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर का सेट दूंगी, इससे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कलर थोड़ा सा डल लग रहा था, तो इसलिए मैं ड्राई ब्रश टेक्निक से ही थोड़ा थोड़ा सा इस पर ब्राउन कलर का हल्का हल्का सा सेट दे दूंगी।
मिरर लगाने के बाद ये अब बिल्कुल तैयार है हमारा वॉल डेकोर आइटम। वॉल पे आप फ्लावर वास के हिसाब से लगाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। आशा करती हूँ आज का हमारा क्राफ्ट आइटम आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।